भाइयों, यू नो व्हाट टाइम इट इज, इट्स अपडेट बाजी टाइम। और भाई, हर बार की तरह इस बार भी अपडेट बाजी का सिलसिला काफी जबरदस्त होने वाला है, जहां आज भी बात करने के लिए काफी कुछ है। एंड फॉर एग्जांपल, डेडपूल कैसे सिस्टम हैंग करेगा, और स्पाइडरमैन 4 मूवी आएगी भी या नहीं, और क्या सही में होगा रिटर्न आ रहा है एमसीयू में। सो देख रहे हो ना, अपडेट अच्छी है और ऐसी अपडेट और मिलेंगे, बेफिक्र हो जाए मेरे भाई। भाइयों, अगर आप में से किसी को सोनिक 3 मूवी का वेट है तो भाई ये अपडेट डेफिनेटली आपके लिए ही है। वैसे तो सोनिक 3 मूवी की जो रिलीज डेट थी वो ऑलरेडी ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई थी, जो थी इसी साल के दिसंबर की। और अब तो सोनिक 3 मूवी की कास्ट भी अनाउंस कर दी गई है, जहां जिम कैरी अपने उस शैतानी रोल में फिर से नजर आएंगे सोनिक 3 मूवी में, और बेन श्वार्ट्ज, इदरीस एल्बा, जेम्स मार्सडन और अदर कैरेक्टर्स भी रिटर्न आ रहे हैं सोनिक 3 मूवी में। और तो इस सीरीज में न्यू एक्टर्स भी इन्वॉल्व हुए हैं, और जैसे कि भला की खूबसूरत क्रिस्टन रीडर और क्रिस्टोफर फर्नांडिस, और ये दोनों भी अपीयर होंगे सोनिक 3 मूवी में, जो इसी साल दिसंबर में रिलीज होगी। भाइयों, इस बंदे को तो आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे देखा ही होगा, जहां ये बंदा ऑलरेडी काफी तरक्की कर ही रहा था, एंड नाउ भाई की तरक्की नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है, और अब केबीएलएम फिल्मों में डेब्यू कर रहे हैं, जहां इनकी मूवी होगी जेम्स गन की पैरोडी, जिसका नाम होगा 00 केबी, जो एक कॉमेडी एक्शन स्पाई मूवी होगी। और केबीएलएम ने बताया कि उनका सपना था एक्टिंग करना, जो डेफिनेटली अब उनका पूरा हो भी रहा है, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये फिजिकली ट्रेनिंग भी ले रहे हैं इस मूवी में अपने स्टंट खुद करने के लिए, जहां ये नहीं चाहते कि इनके स्टंट को स्टंट मैन करे, उसके बदले ये अपने स्टंट खुद ही करना पसंद करेंगे। और आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप केबीएलएम की अपकमिंग मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, मुझसे पूछो भाई, मैं तो हूँ। भाई, अगर आप क्वेंटिन टेरेंटिनो के बहुत ही बड़े वाले फैन हो तो इनकी अपकमिंग मूवी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि इनकी अपकमिंग मूवी इनके करियर की लास्ट मूवी होगी, उसके बाद ये संन्यास ले लेंगे डायरेक्शन की दुनिया से, मींस वो ऑफिशियली रिटायरमेंट ले लेंगे। और क्वेंटिन टेरेंटिनो की लास्ट मूवी फैंस के लिए एक तरीके से स्पेशल और बन जाती है, क्योंकि मेरे भाई क्वेंटिन टेरेंटिनो थर्ड टाइम ब्रैड पिट के साथ कोलैब करेंगे अपनी अपकमिंग मूवी में, जिस मूवी का टाइटल है दी मूवी क्रिटिक, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मूवी 2025 में रिलीज होगी। वैसे अभी तक मैंने क्वेंटिन टेरेंटिनो की एक भी मूवी थिएटर में नहीं देखी है, अगर उनकी ये लास्ट मूवी है तो वो मूवी मैं डेफिनेटली थिएटर में जरूर देखूंगा, आप देखोगे या नहीं कमेंट में जरूर बताना। जैसा कि भाइयों, आप लोगों को मैं अपनी प्रीवियसली अपडेट बाजी की वीडियो में बता चुका हूं कि नया डीसीयू सुपर गर्ल के लिए ऑडिशन कर रहा है, और फाइनली ये रोल मिली अलकॉक की झोली में आके गिर पड़ा है, जहां फाइनली कंफर्म हो गया है कि मिली अलकॉक नए डीसीयू में सुपर गर्ल का रोल प्ले करेंगी। और ये कैरेक्टर पहले तो सुपरमैन लेगेसी मूवी में नजर आएगा, और उसके बाद इस कैरेक्टर की स्टोरी कंटिन्यू होगी सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो फिल्म में, और सुपरमैन लेगेसी की जो फिल्मिंग है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। वैसे भाई, सही में ना काफी लंबा समय हो गया है ना विजन को एमसीयू में ना देखे हुए, लेकिन हाँ, ये भी एक अपडेट निकल रही थी कि विजन की सीरीज अंडर डेवलपमेंट में है एमसीयू के, बट हाँ, इसका भी अब कोई अता पता नहीं है। लेकिन अब पॉल बेटी ने एक तरीके से कंफर्म कर दिया कि विजन एमसीयू में रिटर्न आएगा, जहाँ पॉल बेटनी ने मेगाकॉन 24 पैनल अटेंड कर रखा था, और इसी पैनल में एक फैन ने पॉल बेटनी से क्वेश्चन पूछा कि कोई पॉसिबिलिटी है विजन के रिटर्न आने की, और पॉल बेटी ने इस क्वेश्चन पर रिस्पॉन्स दिया यस 100%, एंड आई थिंक पॉल बेटनी का मतलब है कि मे बी विजन को इस सीरीज के ऊपर अभी काम चल रहा है, और शायद इन फ्यूचर इस सीरीज से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाए जेरेमी रेनर। और अगर इन केस आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर जेरेमी रेनर एक टेरिफाई एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, और काफी लंबे टाइम तक इनको बेड रेस्ट करना पड़ा था। और अब जेरेमी रेनर पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं, और इन्होंने बताया कि अब मैं होकाई का रोल प्ले करने के लिए काफी स्ट्रांग हो चुका हूँ, अगर वो मुझे कॉल करते हैं। जस्ट सिंपली जेरेमी रेनर का ये मतलब है कि अगर एमसीयू होकाई को रिटर्न लाना चाहता है तो जेरेमी रेनर होकाई का रोल खुशी खुशी प्ले करेंगे। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और इस मूवी की प्रीवियसली स्टोरी अच्छी ना होने की वजह से इसकी स्टोरी फिर से रीराइट की जा रही है। सरपंच सोसाइटी, जो कैप्टन अमेरिका न्यू ब्रेव वर्ल्ड मूवी में अपीयर होने वाले थे, वो अब इस मूवी से कम्प्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं, जहाँ पहले प्लान किया गया था कि सरपंच सोसाइटी का एक मेजर एक्शन सीन होता, बट अब उन्हें कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है, तो मूवी से दोनों का घंटा एक्शन सीन होगा। और इसका रीजन है क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है वो फिर से रीराइट की जा रही है। स्पाइडरमैन 4 और इनसाइडर ने कंफर्म किया है कि स्पाइडरमैन 4 मूवी के लिए जॉन वॉट्स रिटर्न नहीं आएंगे। वेल, ये चीज तो खैर अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, बट ये भी सच है कि इस चीज के रूमर्स बहुत पहले से भी उड़ते हुए आ रहे थे कि स्पाइडरमैन 4 मूवी को जॉन वॉट्स डायरेक्ट नहीं करेंगे। और फिर से अब ये स्ट्रॉन्ग रूमर्स निकल रहे हैं, तो मे बी इन फ्यूचर कंफर्म हो जाए कि स्पाइडरमैन 4 मूवी को जॉन वॉट्स डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर जॉन वॉट्स स्पाइडरमैन 4 मूवी के लिए रिटर्न नहीं आएंगे, तो फिर कौन सा डायरेक्टर स्पाइडरमैन 4 मूवी को डायरेक्ट कर सकता है? वेल भाई, ये चीज खैर अभी तक ऑफिशियल तो कंफर्म नहीं है, बट रूमर है कि ड्रू गार्डनर स्पाइडरमैन 4 मूवी को डायरेक्ट कर सकते हैं, और ड्रू गार्डनर ने नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीरीज में डायरेक्ट करी है, तो हाँ, इनका टेस्ट काफी अच्छा है अगर आपको कोई ग्राउंडेड लेवल मूवी बनानी हो। और गेस व्हाट, रूमर है कि स्पाइडरमैन 4 मूवी ग्राउंडेड लेवल की स्टोरी होने वाली है, जो खैर मैं काफी बार मेंशन कर चुका हूँ। बट फिर दूसरी तरफ ये रूमर्स भी निकल कर आते हैं कि सोनी चाहता है कि स्पाइडरमैन 4 मूवी एक ह्यूज मल्टीवर्सल मूवी हो, तो फिलहाल ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि स्पाइडरमैन 4 मूवी की स्टोरी क्या होगी, क्योंकि दोनों स्टूडियो के जो प्लान है स्पाइडरमैन 4 मूवी को लेके फिलहाल तो वो टोटली डिफरेंट है। और आई होप इन फ्यूचर ये दोनों स्टूडियो कुछ फिगर आउट कर लें, और फिर
जो भी अपडेट निकल रहा है इस पैटर्न फोर्स से रिलेटेड उसकी भी अपडेट मैं आपको अपने चैनल पर जरूर दे दूंगा। देख भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डेडपूल 11 फेब को सिस्टम हैंग करने वाला है जब डेडपूल 3 मूवी का टीजर ट्रेलर रिलीज होगा। और अब तो ये भी रूमर्स निकल कर आए हैं कि डेडपूल 3 मूवी का टीजर ट्रेलर रिलीज होने से पहले डेडपूल 3 मूवी का जो फर्स्ट पोस्टर है वो रिलीज किया जाएगा। और साथ ही डेडपूल 3 मूवी के टीजर ट्रेलर की डिस्क्रिप्शन भी निकल रही है जिससे हमें पता चलता है कि ट्रेलर में हमें क्या देखने को मिलेगा। लेकिन ये डिटेल एक्यूरेट होगी या नहीं फिलहाल तो नहीं पता, बट इस डिस्क्रिप्शन पर नजर जरूर मार लेते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्शन ट्रेलर में वेड विल्सन मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा होगा जहां वो अपनी हीरोगिरी पीछे छोड़कर एक कार सेल्समैन बन चुका होगा। एंड देन वुल्वरीन अपीयर होगा और फिर इन दोनों में मारकाट वाला हंसी मजाक होगा और ट्रेलर में और भी म्यूटेंट अपीयर होंगे जहां इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रेलर में टेलर शिफ्ट एज अ डेजलर भी अपीयर हो सकती है। ओवरऑल अपना ये लाल सूट वाला बंदा 11 फेब को सिस्टम हैंग कर देगा और कोई बीके ली होगा जो इस मूवी के लिए एक्साइटेड ना हो, और आप तो होना जरूर, कमेंट में जरूर बताना, मतलब कंफर्मेशन दे देना। तो भैया आज की वीडियो का सिलसिला यहीं रोकते हैं, आई मीन अपडेट बाजी का, यू नो व्हाट आई मीन। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, जो खैर आनी तो चाहिए। अगर आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना। सो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।